Hi guys, welcome back to Sapna Cooks. I hope you guys are doing well, so am I. And today I'm making this delicious and special Bharwa Shimla Mirch. So special isliye hai kyunki कैप्सिकम तो मेरे वीकली ग्रोसरी में डेफिनेटली होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, पर मैं इसे यूजुअली कंज्यूम करती हूँ सॉटेड पनीर के साथ या चिकन के साथ, वो थोड़ा सा इजी भी होता है. सो टुडे मेरा मन किया कि थोड़ा सा कुछ स्पेशल बना लूँ एंड आई डिसाइडेड टू मेक दिस भरवा शिमला मिर्च. सो कम लेट मी शो यू हाउ आई कुक दिस. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पोटैटोज़ को प्रेशर कुक कर लूँगी और इसको मैं अराउंड 5 विसल आने तक कुक कर लूँगी क्योंकि एकदम सॉफ्ट होना चाहिए ये. और मैंने यहाँ पर 7 पोटैटोज़ लिए हैं, छोटे साइज़ के थे इसलिए मैंने इतना लिया है. और यहाँ पर कोई सॉल्ट भी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ इसको कुक करने के लिए. तो जब तक पोटैटोज़ कुक हो रहा है मैं बाकी का जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें रिक्वायर्ड है उसको फटाफट से रेडी कर लूँगी. तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बड़ा साइज़ का ऑनियन लिया है और इसको एकदम फाइनली चॉप कर लूँगी. इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 ग्रीन चिलीज और अदरक का छोटा टुकड़ा और 2 गार्लिक, इसको भी मैं एकदम फाइनली चॉप कर रही हूँ. अभी यहाँ पर पोटैटो भी कुक हो गया है तो मैं इसको सबसे पहले इसका स्किन पील कर लूँगी और उसके बाद ग्रेटर से एक बार इसको रफली ग्रेट कर लूँगी क्योंकि जो स्टफिंग है ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए. तो बस इसीलिए अगर ग्रेटर नहीं है तो मैशर यूज़ करके भी मैश कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो भी इंग्रेडिएंट्स प्रेप करने थे ये सारा प्रेप हो गया है. तो राइट नाउ स्टफिंग को कुक कर लेती हूँ और स्टफिंग कुक करने के लिए पैन गरम कर लिया है. अब पैन गरम हो गया तो आई एम एडिंग मस्टर्ड ऑयल. सो इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ मस्टर्ड ऑयल इन योर कुकिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो कि तेल इतना गरम होना चाहिए दैट यू स्टार्ट नोटिसिंग स्मोक कमिंग आउट ऑफ इट. और जब ये स्मोक दिखने लगे दैट मीन्स दैट द ऑयल इज़ रेडी फॉर कुकिंग और उसमें जो पंजेंसी रहती है वो सारा चीज़ निकल जाता है जब ये अच्छे से कुक हो जाता है. एंड देन टेम्परेचर हीट को कम करके इसमें जो आप रेगुलर कुक करते हो वैसे यू कैन स्टार्ट कुकिंग. एंड पर्सनली आई लव टू कुक विथ मस्टर्ड ऑयल एंड एस्पेशली द सब्जीज़ दैट आई मेक फॉर रोटीज और पराठाज या दाल में तड़का डालना हुआ, मुझे ये सारे चीज़ मस्टर्ड ऑयल में करना बहुत पसंद है. आप मस्टर्ड ऑयल फ्रीक्वेंटली कुकिंग में यूज़ करते हो क्या? लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. अब यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो नाउ वी कैन स्टार्ट एडिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स इनटू इट. अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 teaspoon जीरा. अब यहाँ पर जीरा भी पक गया है तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चॉप्ड जिंजर गार्लिक और इसे थोड़ी देर के लिए सॉटे कर लूँगी. नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चॉप्ड अनियन और मेजरमेंट वाइज मैंने इसमें 1 cup चॉप्ड अनियन ऐड किया है. अब ओनियंस को तब तक सॉटे करूंगी जब तक ये अच्छे से कुक नहीं हो जाता और हल्का सा ब्राउनिश नहीं हो जाता. अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हींग, तो मैंने हींग थोड़ा सा लेट डाला है बट यूजुअली जब ऑयल गर्म हो जाता है जीरा डालने के साथ साथ ऑयल में डायरेक्टली ही हींग डालना बेटर है. तो नाउ दी ओनियंस आर नाइस एंड ब्राउन और अभी मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर लूँगी. तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 teaspoon हल्दी, 1/2 teaspoon कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 teaspoon कोरिएंडर पाउडर और 1/4 teaspoon जीरा पाउडर. अब सिर्फ ये मसाले के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 teaspoon नमक और ये मसाला जब तक थोड़ा सा कुक नहीं हो जाता इसे सॉटे कर लूँगी. नाउ इट्स टाइम टू ऐड द मैश्ड पोटैटोस और सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी अंटिल द पोटैटोस एंड मसाला सारे चीज़ एवरीथिंग इज़ वेल कम्बाइंड. यहाँ पर मिक्स करते वक्त मुझे जो भी छोटा मोटा चंकी पीसेस पोटैटोज़ के दिख रहे हैं तो मैं उसे स्पैटुला से मैश कर रही हूँ. अब फाइनली स्टफिंग के लिए मैं एडिशनल 1/2 teaspoon सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ 1/2 teaspoon गरम मसाला. तो जो भी गरम मसाला आप यूज़ करते हो यू कैन ऐड दैट. नाउ आई विल गिव ऑल ऑफ दिस अ वेरी गुड मिक्स और इसे कवर करके मैं थोड़ी देर के लिए कुक कर लूँगी क्योंकि पोटैटोस में कोई भी सीजनिंग मैंने डाला नहीं था. तो ये सारा मसाला अभी पोटैटोस में अच्छे से कंबाइन होना ज़रूरी है. तो बस थोड़ी देर के लिए अराउंड 5-7 minutes इसे कवर करके कुक कर लूँगी.
तो यहाँ पर स्टफिंग इज़ ऑलमोस्ट रेडी और ये ऑलरेडी इतना टेस्टी लग रहा था, बट इसमें अभी दो चीज़ें जाना बाकी है, तो लेट अस डू दैट। तो इसमें ऐड कर रही हूँ एकदम फाइनली चॉप धनिया, और धनिया पत्ता के साथ साथ उसका जो स्टेम होता है थोड़ा सा वो भी एकदम फाइनली चॉप किया है, क्योंकि जो स्टेम है ना वो उसमें पत्ते से भी ज़्यादा फ्लेवर होता है, तो थोड़ा सा स्टेम और बहुत ज़्यादा धनिया पत्ता एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लाइम। तो मेरे पास आमचूर पाउडर नहीं था तो मैंने यहाँ पर नींबू डाला है, बट इफ़ यू हैव आमचूर पाउडर आप आमचूर पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अब इसे एक बार फाइनल मिक्स कर लूँगी और अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो जब तक स्टफिंग ठंडा नहीं हो जाता मैं कैप्सिकम को रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ का कैप्सिकम लिया है और नाइफ यूज़ करके इसका जो टॉप है उसे मैं हल्के हाथों से एकदम लाइटली स्लिट करते करते कम्प्लीटली ओपन कर लूँगी। सो दिस इज़ हाउ आई डिड इट एंड आई डिड इट वेरी केयरफुली और यू कैन सी इट केम आउट परफेक्टली, एकदम फिट भी हो रहा था दोबारा से जब मैं इस पर ट्राई कर रही थी। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू सेपरेट दी टॉप हेड ऑफ दी कैप्सिकम। यहाँ पर मैंने सारे कैप्सिकम को रेडी कर लिया है, तो स्टफिंग भी अभी ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है, सो लेट्स स्टार्ट स्टफिंग द कैप्सिकम। बस अभी थोड़ा थोड़ा मसाला लेकर कैप्सिकम में फिल कर लूँगी, और एक साथ बहुत ज़्यादा मसाला डाल भी नहीं सकते क्योंकि इसकी ओपनिंग बहुत छोटी है। एंड जस्ट लाइक हाउ यू मेक एनी काइंड ऑफ स्टफ्ड वेजिटेबल, इसमें भी कैप्सिकम स्टफ करते वक्त प्लीज़ इन्श्योर कि ये स्टफिंग अच्छे से सभी जगह पे पहुंच जाए, क्योंकि इसका शेप ऐसा है ना कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज मसाला अंदर स्टफ कर लिया और ऐसा लगता है कि स्टफ हो गया है बट साइड्स पूरी एम्प्टी होती है, तो इसके साइड्स की तरफ मसाले को पुश करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने 5 कैप्सिकम को स्टफ कर लिया है और सारा होने के बाद मेरे पास बस इतना सा स्टफिंग रह गया था, और उससे तो मैंने एक अच्छा टेस्टी आलू पराठा बनाया। वेल दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर डे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट कुकिंग द कैप्सिकम। तो सेम पैन को मैंने दोबारा गर्म कर लिया है और इसमें अगेन आई एम एडिंग सम मोर मस्टर्ड ऑयल एंड आई विल वेट जब तक ये ऑयल अच्छे से गर्म नहीं हो जाता। अब यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया है, स्मोक भी दिख रहा है। अनदर वे टू फाइंड आउट इफ़ द ऑयल इज़ कुक्ड इज़, जब ये मस्टर्ड ऑयल कुक हो जाता है ना तो ये कलर बहुत लाइट हो जाता है इसका। सो देयर यू गो, नाउ यू नो हाउ टू यूज़ मस्टर्ड ऑयल फॉर कुकिंग। अब बस सारे कैप्सिकम को मैं पैन में रख दूँगी। अब बस इसे लिड रख के मैं कुक कर लूँगी जब तक कैप्सिकम सारे साइड से अच्छे से कुक नहीं हो जाता, और एवरी 2 मिनट्स कैप्सिकम्स को मैं टर्न करते रहूँगी सो दैट ये हर साइड से टॉप बॉटम और साइड्स में अच्छे से कुक हो जाए। सो व्हेन यू कुक दिस ट्राई टू यूज़ अ डीपर पैन, क्योंकि कैप्सिकम के हाइट के वजह से ये लिड यहाँ पर क्लोज नहीं हो रही थी, एंड लिड रखना ज़रूरी है बिकॉज ऑयल बहुत स्प्लटर हो रहा था। सो डू दिस वेरी केयरफुली और इट्स बेटर टू यूज़ अ डीपर पैन फॉर दिस कुकिंग। बस इसी तरह सारे साइड्स को टर्न करते करते मैं कुक कर लूँगी, और एवरी 2 मिनट्स इसे टर्न करना है सो दैट ये जल ना जाए, और यू विल ऑब्जर्व दीज ब्लिस्टर्स ऑन द कैप्सिकम। और इसी तरह ये अराउंड 20-25 मिनट्स लग गए थे मुझे इसे पूरा कुक करने के लिए। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, तो मैंने रफली ऊपर से स्प्रिंकल कर लिया है क्योंकि कैप्सिकम में हमने कोई सॉल्ट ऐड नहीं किया था, तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 60-70% कुक हो गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर सारा कैप्सिकम रेडी हो गया है, अच्छे से कुक हो गया है एंड कोई स्टफिंग बाहर स्पिल नहीं हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट था ये एंड इट टेस्टेड अमेजिंग। तो क्या बोलूँ मैं, अगर आपने ये ट्राई नहीं किया है तो यू शुड डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई, और अगर आप इसे रेगुलरली बनाते हो तो डू लेट मी नो हाउ यू कुक दिस। सो आई होप यू गाइज एन्जॉयड दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यू नो वॉट टू डू। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, और आपके फीडबैक्स एंड सजेशंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।